हम लोग रूम में हैं और रूम में ये सर्विस देखिए, यहाँ आकर लोग रूम के अंदर ही शॉल वगैरह बेच रहे हैं। अच्छा यहाँ पे दार्जिलिंग में ऐसे ही रूम के अंदर लोग बातें आ जाते हैं? नहीं यार, वो होटल का मैनेजर ऐसे ही है। अच्छा होटल का मैनेजर बोल चलिए, ये लोग देता है ना हम लोग का। अच्छा होटल अलाउड है, फाइव स्टार जो होते हैं बिल देके पहली वाले को होटल अलाउड है। कोई बात नहीं, हम लोग फाइव स्टार नहीं है, इकोनॉमी क्लास होटल में है, तो ये भी एक बात है। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये है डे तीसरा और डे तीसरे दिन की शुरुआत ऐसी हुई कि हम लोग रूम में सो रहे थे, अचानक से दो लड़कियां, दो लेडीज यहां पर आई और इसी दरवाजे साल स्वेटर और साल स्वेटर जैसे बेचते हैं ना पूरे चल के वैसे बेचने लगे। तो लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एज ए मोमेंटो एज ए यूनिक एक्सपीरियंस हम लोग करा के हमारे रूम में घुस के कोई यहाँ साल स्वेटर बेच रहा है। तो भैया ने एक ये कुर्ती लिया 200 रुपए में, एक ये साल लिया, पहले ये 500 बोला गया था, फिर 650 इसका बोला गया था, 200 मुझे दे दिए यार, उस हिसाब से 650 के भी था, 650 के भी था, तो ये मांग ये 500 था, तो मांगा हम 50 रुपया महंगा ले लिए। खैर कोई बात नहीं, तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और ये आज तीसरा दिन है, आज का दिन जो होने वाला है, फिलहाल अभी हम लोग सिलीगुड़ी कहाँ दार्जिलिंग से निकलेंगे, चलेंगे गंगटोक, और गंगटोक में सुन रहे हैं कि बारिश हो रही है, वहाँ कुछ अपने दो लोग जानने वाले हैं तो वो बता रहे हैं कि बारिश हो रही है। तीन चार घंटे का रास्ता है, आराम से चलेंगे, बारिश में चलेंगे, क्या दिक्कत है, बारिश में चलेंगे और खाते पीते चलेंगे, ठीक है ना, और जहाँ रुकेंगे चाय भी पियेंगे, चाय के साथ कुछ स्पेशल डिश रहेगा वो भी खाएंगे। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम दार्जिलिंग, एक नई दिन एक नई सुबह, तारीख आज है 10 तारीख है, सुबह हो गई है और सुबह का डेली रूटीन का जो काम है कि बाइक रेडी करना ये सब चीजें करना हो गया। और यहाँ पर ये भाई साहब हैं होटल के कर्मचारी, इनसे जब पूछा गया कि यहाँ पर लड़कियाँ क्यों घुस आई थी तो बता रहे हैं कि ये लोकल है, उन लोग के पास लाइसेंस है, वो डोर के अंदर नहीं आ सकती हैं, डोर के बाहर तक रहती हैं, तो पता नहीं कि वो खुला था कि क्या, वो अब आ गई। रूम की सर्विस यहाँ ठीक था, गर्म पानी मिल गया नहाने के लिए, बस ये है कि पार्किंग के लिए आप देखिए, अगर आप आ रहे हैं तो आप यहाँ पर आइए, इंटरनेशनल यूथ हॉस्टल में है, यहाँ पर बाइक आपके अंदर लग जाएगी, मैक्सिमम 4-5 बाइक आप ला सकते हो, उससे ज़्यादा मत लाइएगा, ठीक है, इकोनॉमी क्लास के रूम है यहाँ तो, पे होटलों में पार्किंग सुविधा नहीं है। हाँ, और दार्जिलिंग में क्या है कि पार्किंग की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, एक केवल मल्टी लेवल पार्किंग है यहाँ पर, और जो भी है तो इस बात का आप ध्यान दीजिए। और अभी हम लोग पैकिंग कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं, तो आप एक टाइम लैप्स देख लीजिए और फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं, फिर बातचीत। बाइक वगैरह सबकी रेडी हो गई है, पीछे देखिए सभी लोग रेडी हैं, अभी आगे चैन लूप करेंगे और यहाँ से हम लोग निकलेंगे गंगटोक के लिए। रास्ता जो हो रहा है इधर आप देखिए, ये कुछ टूरिस्ट प्लेस है जो मैं वीडियो में डाल दूंगा, आप यहाँ यहाँ घूम सकते हैं, हम लोग के पास टाइम कम है, यहाँ से निकलेंगे, आगे चलना है, इससे भी अच्छी जगह मिलेगी, आप यहाँ से निकलेंगे गंगटोक के लिए और रास्ते में फिर आपसे बातचीत होती रहती है। यूथ इंटरनेशनल हॉस्टल से हम लोग निकल रहे हैं, पहली गाड़ी देखिए निकल रही है हमारे ओपी भैया की, और दूसरी गाड़ी देखिए प्रीतेश भाई अपनी लेके निकल गए, तीसरी गाड़ी हमारे पल्लू भाई अपनी बुलेट लेके चल रहे हैं, यूपी 62 आ गए नितिन भैया, हम लोग रेडी हो चुके हैं। तो सुबह के बज रहे हैं 10 बज रहे, 11 बज रहे हैं, तो निकलते वक्त थोड़ा सा लेट हो गया और हम लोग दार्जिलिंग से निकल रहे हैं, और आज का प्लान बड़ा सीधा साधा है, रास्ते का व्यू इंजॉय करते हुए सीधे गंगटोक चलेंगे, अगर कोई घूमने का या स्पॉट मिला तो वो भी आप लोग देखेंगे। और मौसम अभी फिलहाल ठीक है, टाइगर हिल का प्लान हम लोगों ने नहीं किया क्योंकि आप देख सकते कल रात को भी पूरा स्मॉग था और अभी भी स्मॉग है, तो वो व्यू हम लोग को मिलेगा नहीं, यही है। अब ये देखिए शहर है और पटरियाँ, आप कल की वीडियो में ढेर सारे देख लिए हैं, आज भी आप देख ही रहे हैं, तो अब शहर से निकलेंगे थोड़ा सा बाहर चलेंगे, और अभी चैन में ल्यूब नहीं हुआ है क्योंकि वहाँ जो अपनी बाइक खड़ी थी वो होटल के अंदर थी, और होटल के अंदर फिर वो करना ठीक नहीं लगा, तो अभी थोड़ा सा 8-10 किलोमीटर आगे चलेंगे, भीड़ भाड़ से निकलेंगे और फिर हम लोग अपनी चैन लुब्रिकेशन कर लेंगे, तो इतना करने के बाद तब राइड आगे कंटिन्यू रहेगी।
टोटल अभी तक दो दिन में जो हम लोगों ने ट्रेवल किया है वो लगभग 8-10 किलोमीटर के आसपास का है। और फर्स्ट डे अब देखी चुके हैं, अब आज की जर्नी है लगभग लगभग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, 150 किलोमीटर के आसपास है। और टाइम जो लगने वाला है 3-4 घंटे लगने वाला है, तो आराम भी करेंगे। अगर 11 बज भी रहा है तो खुद के हिसाब से हम लोग 4-5 बजे तक गैंगटॉक पहुँच जाएंगे। दोस्तों जैसा इस पल हम लोगों ने देखा था ट्रेन को आते हुए अब ट्रेन को जाते हुए, इस ट्रेन में एक खासियत यह है कि इसका जो इंजन है वो आज भी कोयले से चलता है, स्टीम इंजन है। मैं दिखाता हूँ अभी, थोड़ा जाम उम लग रहा है। ये है दार्जिलिंग का टॉय ट्रेन का स्टेशन, घूम स्टेशन है, इसका नाम है घूम, घूमने वाला नाम ही है। ये आंटी की पटरी मैन। ये गाड़ी देख रहे हैं, मॉम डैड को भी और प्रियंका को भी। इससे लग रहा है कि मॉम डैड जो बेचारा होगा, मॉम डैड का जब लिख दिया तो इस डर से उसको प्रियंका अपनी वाइफ का नाम लिखवा दिया जिससे कि झगड़ा ना हो। ये शादीशुदा मर्दों की तरफ से हमने एक बात कही पसंद आए तो लाइक करना। तो हम लोग निकले हैं दार्जिलिंग से और रास्ते में बारिश का लगा कि थोड़ा बहुत बूंदाबांदी हो रही है, तो उतर के हम लोगों ने अपना रेनकोट डाल लिया। ऊपर वाला ही डाला, अपर ही डाला है, लोअर नहीं डाला है, और अगर ज़्यादा बारिश होगी तो फिर लोअर वाला डाल देंगे। तो हम लोग रेनकोट पहन लिए हैं, बारिश थोड़ी थोड़ी होने लगी तो रेनकोट पहन के चल रहे हैं। लगातार जाम लगा हुआ है, हम लोग गैंगटॉक वाले रास्ते चले। पैर वाला भी हम लोग पहनने जा रहे हैं। तो ये देखिए रेनकोट पहन रहे हैं, हम लोग इसलिए पहन रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही थी, और हर बात का रिकॉर्ड है कि बारिश रुक जाती है रेनकोट पहनने के बाद। सबसे बड़ी दिक्कत है ये नितिन भैया, ये ओपी भैया, अनमोल भाई, सितेश भैया, बाकी लोग रुके हुए हैं, रश बहुत ज्यादा है। आगे बढ़ती है, पल्लू भी एक देख रहे हैं एकदम स्मार्ट बन के टहल रहे हैं। हर बार का रिकॉर्ड है जितनी बार रेनकोट पहनते हैं बारिश बंद हो जाती है, हर बार का रिकॉर्ड है लद्दाख से लेके सिक्किम तक का। लोग दार्जिलिंग से निकल गए हैं जाम में फंसते, अब जा रहे हैं गैंगटॉक, और बहुत ही अच्छे नज़ारे जिसका मैंने शॉट लगाया हुआ है हम लोगों ने, मज़ा आ रहा है। जो चीज़ आप रील पे देखते हैं वो हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये सन्नाटा और ये सुनसान रास्ते और ये अपना अनमोल, तो ये है बाइक राइडिंग का मज़ा। तो ऐसे ही हम लोग चल रहे हैं, सोचिए आपको एक व्यू दिखा दे। ये देखिए धुंध है और यहाँ पर सन्नाटा है, कोई नहीं है, माहौल एकदम अच्छा है। अनमोल बाइक फोटो खिंचा रहा है और ये मैं हूँ, तो ये पूरा रहने वाला है इसी तरह का नज़ारा। दार्जिलिंग में पर्टिकुलर वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप स्टे करके मतलब ऐसे बाइक राइड करना चाहते हैं तो एक बार आप आ सकते हैं। I got no filter.
तो चलते चलते रास्ते में ये दिखा गाजर वगैरह, यहाँ पे लोकली ये होता है। तो ओपी भाई गाजर खा रहे हैं और हम लोग बन गए हैं खरगोश। यह जगह लामाहता। अब रेनकोट अब उतारेंगे, गर्मी लग रही है, बारिश हो रही है, रुक जा रही है, हमें उतारेंगे भाई। जगह तो बहुत सुंदर है, दार्जिलिंग से गैंगटॉक का रास्ता लगभग 30-40। गर्मी लगना शुरू हो गया और चश्मा निकल गया। ये पीछे आप व्यू देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार व्यू आ रहा है। हम लोग यहाँ लामाहता में रुके हैं, दार्जिलिंग से बेटर प्लेस हम लोग को लामाहता लगा। टाइम जो हो रहा है, आई थिंक 11 या 11:30 बज रहा होगा, 12:30 टाइम हो रहा है। अभी हम लोग मात्र 25-30 किलोमीटर ट्रेवल किए हैं, तो आधी घंटा तुम लोग को लगा चला गया। हाँ, एक बारी हम लोग वो पहने, एक बारी ये उतारे, तो यही चल रहा है। और अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे और फिर कहीं रुकेंगे, ऑमलेट वगैरह खाएंगे। हालांकि चेन में स्प्रे करना है, लेकिन वो आगे ही करेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे हम लोग के साथ ही जर्नी ये राइड। और का चट्टान देख रहे हो, चट्टान भैया बहुत हालत खराब है चट्टान पे चढ़ने में। और चलते हैं अब आगे, क्या करना है। मैं आपको एक व्यू देता हूँ पीछे इधर का। यहाँ पे जो पेड़ है ये देखिए, कितने लंबे लंबे पेड़ हैं। ये एक पार्क टाइप का है, अंदर नहीं जा रहे हैं जस्ट बिकॉज आपके अगर जाएंगे तो एक आध घंटा लग जाएगा। तो कैसा लग रहा है भाई साहब, आप लोग थोड़ा सा अपना दो शब्द करिए। बहुत अच्छा लग रहा है भैया, हम लोग लेट तो नहीं है, कोई लेट नहीं भैया। पल्लू भाई, हाँ भैया, का गाजर खा रहे हो? का गाजर मिला भैया, ओपी भाई ने रास्ते में लिया, मगर ओपी भाई का असली जिंदगी ओपी भाई ही ले रहे हैं मजा। गाजर ठीक है, तो ये अपनी बाइकें लगी हैं। अब यहाँ सब कुछ चेंज वगैरह हो गया है, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अभी अभी लामाहता से हम लोग निकले हैं और अच्छा प्लेस है ये, ठीक है, शांति जगह है। आप आइए यहाँ पे, थोड़ा टाइम दीजिए और चले जाइए। ये सामने आप जंगल देखिए, कितने घरे हैं और पेड़ बिल्कुल स्ट्रेट है, शायद चीड़ के पेड़ है। और रेनकोट, रेन लाइनर जो हम सभी लगा के चले थे, वो हम लोगों ने निकाल दिया। अब जाके बॉडी में थोड़ी सी हवा लग रही है। लोग बता रहे हैं कि आगे मौसम जो है थोड़ा गर्म है, तो बस ऐसा ही चल रहा है। पहाड़ी कुत्ते देखो, दोस्तों देख रहे हो कितनी खूबसूरत जगह है ये दार्जिलिंग से गैंगटॉक की तरफ। और इसी खूबसूरत वादियों में दो कांड हो गया है, केटीएम ड्यूक का ब्रेक, पिछला ब्रेक फेल हो गया है, उसको भी सही करना है। और पल्लू भाई का बैग गड़बड़ा गया, और ऊपर चाय का वो है बागान। हर ट्रिप में कुछ न कुछ दिक्कतें हो ही जाती है। इस ट्रिप में ये हुआ कि ये ब्रेक पैड जो है जाम हो गया है, इसका देखते हैं एयर निकालने से अगर काम होगा तो एयर इसका निकलवाएंगे। एक्चुअली लगातार ढलान बहुत ज़्यादा था और वो ब्रेक दबा के चलना पड़ा, वेट गाड़ी में ज़्यादा था, फिसलन भी था। तो ठीक है, देखते हैं अगर सही होगा फिर आपको बताते हैं। 20 minutes later ब्रेक का काम हो गया है, वो एयर हल्का से निकाला गया है। अब आगे दिक्कत आएगी तो उसको देखा जाएगा। और यहाँ हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, यहाँ नाश्ता कर लेंगे, चैन का लुब्रिकेशन भी हो गया है, अब आगे चलना है। यहाँ से गैंगटॉक जो दिखा रहा है लगभग 60-70 किलोमीटर है, 4 घंटे भी लगेगा। बहुत ज़बरदस्त हम लोगों ने यहाँ नाश्ता कर लिया है और फिश खाए, मच्छी भात खाए ट्राई के लिए, अंडा खाए, ऑमलेट खाए, मैगी खाए, सब कुछ खाए, और ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। ब्रेक वगैरह अभी अब लगेगा, चैन लुब्रिकेशन भी हो गया है। यहाँ पर लगभग हम लोगों ने आधे घंटे का ब्रेक लिया है और अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। यहाँ से गैंगटॉक जो है 71 किलोमीटर है और टाइम जो दिखा रहा है 2-2.5 घंटा दिखा रहा है। ओके पल्लू भाई अपडेटेड, 2 बज रहा है, टाइम जो हो रहा है 2 बज रहा है। हम लोग 4 घंटे में 25 किलोमीटर की जर्नी किए हैं, बेहतरीन हम लोग खाए हैं और बेहतरीन हम लोग चल रहे हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं, चलेंगे गैंगटॉक और फिर आपसे बातचीत होती रहेगी।
हम लोग आए हैं यहाँ पे गैंगटॉक जा रहे हैं। हाँ, कम से कम 25 बार बता चुके हैं गैंगटॉक जा रहे हैं, अभी तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। 4 घंटे 5 घंटे हम लोग चल चुके हैं। जहाँ जहाँ चल रहे हैं सीनेटिक व्यू मिल जा रहा है। अब पसीना देखिए होना शुरू हुआ, जैसे जैसे हम लोग नीचे उतर रहे हैं पसीना के हाल यही है कि होना शुरू हो गया। तो ये एक लोकेशन मिला था, आप इधर देखिए, बीच में अगल बगल पेड़ है लंबे लंबे और बीच में सड़कें आ रही है। तो ये हुआ कि थोड़ा सा फोटो वगैरह कुछ ले लिया जाए, दोबारा यहाँ आना तो है नहीं। जैसे लग रहा है जंगल में टहल रहे हैं हम लोग। कच्चा पुल ये बना हुआ है, इसी कच्चे पुल से हम लोग को चलना है। किलोमीटर दूरी तय किए हैं। एक ये सीनेटिक व्यू मिला तो यहाँ पे सब लोग फोटो वगैरह खिंचा लिए हैं। अब आगे बढ़ेंगे, पल्लू भाई प्रीतेश ये लोग आगे जा चुके हैं। ये मजा आ रहा है बहुत, गर्मी लेकिन लग रहा है थोड़ा सा ना, थोड़ा गर्मी ठीक है, अभी ऊपर चलेंगे तो गर्मी कम हो जाएगी। नीचे है आप फिर व्यू देता हूँ आप। तो दोस्तों ये जो नदी आप बहुत देर से देख रहे हैं इसका नाम है टिस्टा रिवर। ये जो नदी है टिस्टा नदी है, काफी दूर से हम लोग के साथ आ रही है। पूरे वीडियो की तरह उड़ गई। तो गैंगटॉक हम लोग पहुंच गए हैं और अभी वेट कर रहे हैं ओपी भाई का। सभी लोग यहां पहुंच गए हैं, यहां पर होटल की व्यवस्था देखी जा रही है और यहां सबसे बड़ी समस्या है कार पार्किंग का, मतलब बाइक पार्किंग का। तो अब पार्किंग जो मिलेगा तब देखा जाएगा। कितना टाइम हुआ तुम लोग को आए? बस 5 मिनट हुआ है, फिर 5 मिनट आपका वेट किया गया है। हाँ, अभी पीछे हम लोग गए थे KTM में, वो एक इंटरन लाइट नहीं जल रहा था तो यहाँ बता रहे सामान ही नहीं है, छुट्टी है। फिर बोला गया कि चैन टाइट कर दो तो वो भी नहीं। तो ठीक है, क्या पल्लू भाई होटल यार देख होटल देख लिए? यहाँ तो सारी पार्किंग है जो है सब वाइट राइट के अंदर है, सब वाइट लाइन के अंदर। हाँ, कोई बाहर गाड़ी उठा ले जाएगी। होटल अभी देखा गया है लेकिन क्या है कि होटल यहाँ पे कॉस्टली लग रहा है, 6 लोगों के लिए 4,000 बोल रहा है। देखते हैं अगर आगे अच्छा मिल जाएगा तो वही उसी जगह ले लेंगे, अदरवाइज क्या होगा कि फिर लौट के यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे यहाँ से मॉल रोड जो है वो 2 किलोमीटर है। तो सो फॉर सो गुड, मज़ा आ रहा है। टाइमली हम लोग यहाँ पहुँच गए गैंगटॉक में। टाइम क्या हो रहा है? 4:50, मतलब 5 बजे हम लोग गैंगटॉक में पहुंच गए हैं। होटल अब चलेंगे आगे लेंगे, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर आ रहे हैं। KTM में आए थे, यहाँ पे पार्ट्स की अवेलेबिलिटी हुई नहीं। रूम का व्यवस्था यहाँ पर हो गया है।
व्यवस्था ऐसे हुआ कि आपको बताया था कि देखिए ये होटल लासो, होटल लासो में रुके हैं हम लोग। जब KTM गए थे वहाँ से मटेरियल लेने, तो वहाँ मटेरियल तो नहीं मिला, लेकिन वहाँ से जब बात हुआ कि भैया रूम वूम हम लोग को चाहिए, तो उसने पूछा कैसा चाहिए। हमने भैया सस्ते में कोई इकोनॉमी क्लास का रूम दिला दीजिए, तो उसने एक बंदे का नंबर दिया, ओनर से बात किया, फिर वहाँ से मैनेजर से बात हुआ, वहाँ से यहाँ पर आए गए 2500 रुपये में। डबल डबल बेड का 3 बेड है, मतलब 6 लोग का रूम है और लेटरिन बाथरूम है, ठीक है, अच्छा लग रहा है। और पार्किंग की भी यही व्यवस्था है। तो अब यहाँ पे और लोगों को लोकेशन भेज दिए हैं, वो यहाँ पर आएंगे। और ये माल लोड के बगल में ही है, 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना है तो आप 12,000-15,000 का रूम उधर लीजिए, और अगर थोड़ा इकोनॉमी रहना चाहते हैं तो 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस इजिली आप वहाँ पे जा सकते हैं। हमारे 7 के लोग यहीं पे बगल में ही 12,000 रुपये का रूम लिए हैं। ठीक है, तो अब रूम में फटाफट अंदर जाते हैं, सामान वामान रखते हैं, आराम करते हैं, फिर आपको बताते हैं। 3 hours later तो रात के 9 बज गए हैं। हम लोग आए थे करीब यहाँ 7 बजे, नहा धोकर सो गए, मतलब सो के उठे हैं, फिर नहाए धोए हैं, अब सभी लोग निकल रहे हैं मॉल रोड के लिए। क्या भाई छोटे, बिल्कुल निकल रहे हैं मॉल रोड के लिए। मजा भी आने वाली है। चश्मा लगा हुआ है, लगाते बहुत कम है, ये फैशन में लगा रहे हैं, कैमरे के पीछे लगाते नहीं, पावर कार बोल तू काका और क्या। बहुत मजा आ रहा है, हम लोगों ने होटल ले लिया, जा रहे हैं। यही पीछे रूम है, आप देखिए ये जो रूम है, ये 1-2 बेड यहाँ, 2 बेड यहाँ, 2500 में ये रूम मिला हुआ है। बाथरूम भी काफ़ी बड़ा है। तो अब चल रहे हैं मॉल रोड, मॉल रोड का आपको नज़ारे दिखाते हैं। कमरे से निकल चुके हैं, बाहर जा रहे हैं मॉल रोड के लिए। और देखिए चलने के लिए सब यहाँ लेन लगा हुआ है। जर्नी आज की बड़ी अच्छी रही और टाइमली पहुँच गए, टाइमली रूम मिल गया और टाइमली हम लोग यहाँ सेटल भी हो गए। 1 घंटा आराम भी कर लिए, नहा धो के निकले हैं, तो पूरा एकदम सभी लोग फ्रेश हैं, बिल्कुल एनर्जेटिक हैं। अब मॉल रोड पे चलते हैं, फिर आपको नज़ारा दिखाते हैं। तो मॉल रोड में हम लोग एंट्री कर चुके हैं, मुश्किल से 2-3 मिनट हम लोग वॉक किए होंगे। और ये हैं अगल बगल की सभी दुकानें, ये काइंड ऑफ एंड है मॉल रोड का। यहाँ पे दुकानें जो है जल्दी बंद हो जा रही है, 9:15 बजे तक यहाँ टाइमिंग है। पीछे देखे लोग शटर गिरा रहे हैं। मॉल रोड 10 बजे तक ओपन रहेगा, सुबह भी होती है। हाँ, अपने यहाँ से 1 घंटा सुबह भी होती है। मॉल रोड हम लोग घूम रहे हैं, थोड़ी सी पब्लिक कम हो गई, लेकिन मजा बहुत आ रहा है। चट्टाने नहीं ये हाथ ऊपर करके कहाँ दिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया, गुड। मॉल रोड घूम रहे हैं, ओपी भैया का थोड़ा सा यहाँ से बुखार फुखार फील हो रहा है, तब इनको दवा। यहाँ का काफी लंबा है, बड़ा है, बढ़िया और बड़ा है, स्पेस है, क्राउडेड नहीं है, क्लीन है, तो और नीट एंड क्लीन तो है ही है। तो ये देखिए जबरदस्त एकदम व्यू है और टेम्परेचर भी बढ़िया है, तो मजा बहुत आ रहा है। ये देखिए सिक्किम का एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखा रहा है और बाकी पैरामीटर है। ये है क्लीननेस, सिक्किम बहुत ज्यादा क्लीन है। मॉल रोड पे काफी हम लोगों ने घूमा, एंजॉय किया, अब चलेंगे खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद हम लोग आराम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आज के लिए इतना रखते हैं, आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और जुड़े रहिए हमारे साथ। कुछ बोल इसमें छोटा भाई अपना है। देखिए जुड़े रहेंगे तो हम लोग भी हमेशा जुड़े रहेंगे यूट्यूब से। बाकी ये है कि चीजें और भी कल बहुत सारी आने वाली हैं, इसके बाद वाले में भी आने वाली हैं, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, बस हम यही चाहते हैं, और अपना प्यार और लव दिखाते रहिए। आशा करते हैं आपको पिछले 2 वीडियो अच्छे लगे होंगे, ये वाला वीडियो भी अच्छा लगेगा, और आगे जो है वो थोड़ी सी एडवेंचरस राइड होने वाली है। हम लोग 0 पॉइंट और इंगथाम जाने वाले हैं, तो उसका कल यहाँ पे स्टे करने वाले हैं, तो कल यहाँ जो गैंगटॉक के लोकल जो भी साइट सीन रहेगा वो भी आपको बताएंगे। तो फिर ठीक है, रखते हैं, आज कितना रखते हैं, अभी के लिए फोन रखते हैं, ठीक है, कल बैलेंस करवा के फिर से फोन करेंगे। अच्छा लगे सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और फिर से जोधपुर वालों थोड़ा ध्यान दो का थोड़ा सा पंगा हो गया, हालांकि कुछ रेस्टोरेंट खुले हैं। यहाँ पे क्या है कि 8 बजे
8 बजे के बाद जो है दुकानें बंद हो जाती हैं और रेस्टोरेंट वगैरह जो है 9 बजे के आसपास से पूरे पूरे बंद हो जाते हैं। तो अगर आप सिक्की मार रहे हो तो आप इस बात का ध्यान दो कि खाना वगैरह आप टाइमली कर लो, बात के लिए मत रखो। जैसे ज्यादा टाइम नहीं हो रहा, 10 बज रहा है हम लोग के यहाँ, तो ये आम बात है। यहाँ पर एक क्लब में आए हैं, किट कर रही है। चल इधर ला, इधर ला।